राजी, संजू और उरी के बाद बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुके एक्टर विक्की कौशल पहली बार हॉरर फिल्म से दर्शकों को डराने आ रहे हैं। विक्की इस समय अपने फिल्म भूत 81 द हॉन्टेड शिप के प्रमोशन में बिजी है। फिल्म के प्रमोशन के लिए विक्की फिल्म के निर्देशक भानु प्रताप सिंह के साथ दिल्ली के एक भूतिया महल जा पहुंचे। इस महल का नाम भूली भटियारी का महल है। यह महल काफ़ी हॉन्टेड माना जाता है। यहाँ विजिट कर विक्की ने काफ़ी हिम्मत दिखाई। विक्की और भानु ने इस महल के अंदर जाकर भी फोटोज क्लिक करवाई। ये जो गेट है ना, यही सिंबल है, गेट के पास ही खड़ा कर। अंधेरे का बड़ा रोल होता है इसमें, अंधेरा का नहीं है। उसकी पिक्चर है, सुपर हिट हुई है। वैसे पहले यही बैठे हैं, मैं तो आपसे किसी को बुलाया बैठे हुए पिक्चर सुपर हिट हुई है, पहले आप ही बैठे हैं। नेशनल अवार्ड लेने के बाद स्पॉट में विक्की विक्की जी। आइए हम आपको बताते हैं इस भूतिया महल के इतिहास के बारे में। ये महल दिल्ली के करोल बाग में है। अब आप सोच रहे होंगे कि शहर के बीचों बीच इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में ये हॉन्टेड प्लेस कहाँ से आया। दरअसल भूली भटियारी का महल तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में बनवाया था। यह महल अजीबोगरीब घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। रात को यहाँ पैरानॉर्मल गतिविधियों का अनुभव किया गया है। दिन के समय भी यदि आप इस स्थान पर अकेले जाएंगे तो आपको हवा में एक अजीब सी हलचल महसूस होगी। कहते हैं इस महल में नकारात्मक शक्तियों का कब्जा है। यहाँ एक रानी की आत्मा भटकती है जिसने यहाँ दम तोड़ दिया था। ऐसी धारणा है कि कई सिक्योरिटी गार्ड्स ने यहाँ रात में रानी के साए को घूमते देखा है। कोई भी गार्ड यहाँ एक दिन से ज़्यादा नहीं टिक पाया। सूर्य अस्त के बाद यहाँ प्रवेश वर्जित है। दिल्ली पुलिस शाम होते ही इस महल को एक बार चेक करती है कि कोई यहाँ रह तो नहीं गया। इस महल की ओर जाने वाले रोड को शाम 5:30 बजे के बाद बैरिकेड्स लगाकर रास्ता बंद कर दिया जाता है। इतने डरावने महल में विक्की का फिल्म प्रमोशन करने जाना काम के प्रति उनकी निष्ठा और लगन को बताता है। फिल्म के प्रोडक्शन हाउस ने एक कैंपेन शुरू किया है जिसके तहत आप अपने शहर के सबसे हॉन्टेड प्लेस का नाम बताइए। विक्की कौशल और उनकी टीम वहां फिल्म का प्रमोशन करने जा सकती है। मेकर्स ने इसे भूत इन माय सिटी कैंपेन नाम दिया है। वैसे आपको बता दें, निजी जिंदगी में विक्की कौशल भूतिया कहानियों और जगहों से दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं, लेकिन एक अभिनेता के तौर पर उन्होंने इस फिल्म को स्वीकार किया। सिर्फ हॉन्टेड जगह ही नहीं बल्कि विक्की को इस फिल्म से पहले गहरे पानी से भी डर लगता था, लेकिन फिल्म में उन्होंने कुछ सीन पानी के अंदर भी शूट किए जिसकी शूटिंग के लिए उन्हें घंटों पानी के अंदर रहना पड़ा था। इस फिल्म के माध्यम से विक्की ने एक कलाकार के तौर पर खुद को निखारने का पूरा प्रयास किया है। इस फिल्म में विक्की के साथ भूमि पेडनेकर भी नजर आएगी। धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी यह फिल्म 21 फरवरी 2020 को रिलीज होगी। तब तक के लिए और भी ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें गजब खबरें।